हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देखिए, अच्छे होने वाले हैं। स्पेशली वो दोस्त जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, स्पेशली फेशियल स्किन पे। मेरी फेशियल स्किन पे काफ़ी बाल हैं, उनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं ब्लीच करती थी। उससे क्या होता था कि वो गोल्ड हो जाते थे और लेस नोटिसेबल होते हैं, और जिससे मैं ठीक थी, खुश थी कि ओके है। पर जब मैंने मेकअप पहनना शुरू किया, मेकअप की फिनिश बालों के ऊपर इतनी अच्छी नहीं आती। जब आपकी स्किन पे बाल नहीं होते तो फिनिश इतनी ब्यूटीफुल आती है कि आपको क्या बताऊँ मैं। मैंने सोचा कि मैं मेरे बालों को रिमूव कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने यूज़ की मेकअप रिमूवर, नॉट मेकअप रिमूवर, हेयर रिमूविंग क्रीम। हुआ यूँ कि मुझे किसी फंक्शन में जाना था, उससे एक दिन पहले मैंने वो क्रीम यूज़ कर ली कि वाह, इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। मैंने बहुत वीडियोस देखी, ये देखा वो देखा, और क्रीम यूज़ कर ली, और उस क्रीम ने मेरी स्किन को बर्न कर दिया। अगले दिन मुझे कहीं पे जाना था और मैं इतनी दुखी हुई, और मेकअप का फिनिश तो इतनी बकवास होगी और स्किन भी यार बहुत ख़राब होगी, और इतना मैं दुखी हुई कि क्या करूँ, मेरी स्किन को काम ही नहीं कर पा रही थी, मैं बर्न होगी मेरी स्किन। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। देन मैंने थोड़ी और स्टडी की कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी स्किन के बालों को रिमूव करने के लिए। देन मैंने इन्वेंट किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपने फेस को शेव कर रहे हैं बालों को रिमूव करने के लिए। बालों को रिमूव करने के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत समय से ये वीडियो बनाना चाहती थी, पर इतनी छोटी सी वीडियो पर मैं बना ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों, पर आज मैंने बना ली है। यस, मैंने अपने फेस को शेव कर लिया। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि शेव सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं, पर यस, मैंने मेरे फेस को शेव किया 2018 में या 17 में। सो तब से अब तक अराउंड 2 या 3 ईयर्स हो चुके हैं मैं मेरे फेस को शेव करती हूँ हमेशा। कितनी बार शेव करती हूँ, मैं करती हूँ वंस अ मंथ, और कई बार मंथ से भी ज़्यादा। जब मुझे लगता है कि बाल नोटिसेबल दिखने लग गए हैं तब मैं शेव करती हूँ। मैंने नोटिस किया है जब से मैंने मेरे फेस को शेव करना शुरू किया है, हेयर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, लाइक उतने ज़्यादा नहीं है जितने हमेशा थे, तो काफ़ी लंबे समय बाद मुझे शेव करना पड़ता है। दूसरा कंसर्न है दोस्तों का कि शेव करने से बाल हार्ड हो जाते हैं। लकीली मैं डरती थी इस चीज़ से, मुझे भी डर लगता था, पर मैंने डर डर कट के मैंने सोचा कर लेते हैं शेव, देखी देखी जाओगी, जो होगा होगा। पर लकीली मेरे बाल हार्ड नहीं हुए हैं, वैसे ही सॉफ्ट हैं। 3 साल हो चुके हैं मुझे ये प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। समटाइम मैं सोचती हूँ कि मैं लेज़र करवा लूँ अपने चेहरे पर, फ्यूचर में शायद मैं कभी करवा भी लूँगी, पर फिलहाल ये बहुत ही ईजी है, अफोर्डेबल है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने फेस को शेव करना। सो बाल मेरे हार्ड नहीं हुए हैं। नॉट समटाइम्स, बहुत बार मैं अपनी लेग्स पे भी और आर्म्स पे भी शेव करती हूँ, और वहाँ पे भी बाल हार्ड नहीं हुए हैं। सो चेहरे पे नहीं हुए हैं, सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। शेव करने का एक और बहुत ज़्यादा फायदा है कि जब आप अपने फेस को शेव करके मेकअप करते हैं तो उसकी फिनिश इतनी फ्लॉलेस लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और शेव करना इज लाइक सबसे बेस्ट एक्सफोलिएशन है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन की सारी गंदी एंड डेड स्किन को शेविंग रिमूव कर देती है, तो आपकी स्किन अच्छा फील करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। मैंने मेरे सारे विचार तो आपको बताई दिए हैं, अब मैं बताऊँगी कि मैं शेव कैसे करती हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। सो जल्दी से देख लें कि हम यूज करेंगे ये रेजर्स जो है ब्रांड नेम टिंकल से, जिसको मैंने अमेज़न से लिया है। वो ये 3 पैक आता है, आई थिंक $7 में आपको 3 मिल जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। ओके, सो सबसे पहले हम लगाएंगे मेरे चेहरे पे ऑयल। ऑयल के लिए आप कोई सा भी ऑयल यूज करें या मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर ले, पर मैं यूज करती हूँ ऑयल, कौन सा ऑयल है ये ऑर्डिनरी से है, रोज़हिप ऑयल। इसे मैं मेरे चेहरे पे लगा लूँगी, मेरा चेहरे की स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये जो रेजर्स है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बार नहीं करती हूँ, अनलेस कि उसका सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अब हम रेज़र को यूज़ करना मैं शुरू करती हूँ इस एरिया से, क्योंकि ये वाली एरिया पे सबसे ज़्यादा हेयर है। ये जो बाल हैं इनको मैं नेचुरली दिखाना चाहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इन सबको उतारूँगी नहीं, मैं इनको मैं सबको पीछे लेके जाऊँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहें। और ये जो मुझे दिख रहा है मैं इसी को क्लीन करूँगी, बाकी किसी को करूँगी नहीं। रेज़र की शेप हम इस तरह रखेंगे जो डाउनवर्ड्स हो, और अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा जेंटल रखें, अपनी स्किन को हार्म मत करें, और रिमूव करना शुरू करेंगे। और अपनी स्किन को अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ टाइट कर लें ताकि आपकी स्किन में कट नहीं आए। यू गाइस कैन सी, अब इससे क्या हो रहा है कि बाल रिमूव हो रहे हैं, डेड स्किन रिमूव हो रही है, और जो नीचे स्किन आ रही है वो इतनी बेबी सॉफ्ट है, जो कि आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर रहा है और आपके बालों को भी रिमूव कर रहा है। और अगर आप मेकअप पहनते हैं तो मेकअप का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं भी पहनते तब भी आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगेगी। और ये जो हेयर की अमाउंट है ये 1 मंथ की है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को सिर्फ मंथ में 1 टाइम करती हूँ, ज़्यादा बार नहीं करती हूँ। सो हम इस एरिया को ऐसे नेचुरल दिखते रहने देंगे, क्योंकि जो अगर आप पूरा उतार देंगे बहुत फेक लगता है, वो
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर अगर आप वो लुक चाहते हैं डेफिनेटली करें। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाली स्किन कितनी मज़ेदार लग रही है। सो इसी तरह हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। और एक और बात बताना चाहूँगी, जब मैं मेरे फेस को शेव करती हूँ तो मैं रेज़र को एक ही तरफ लेके जाती हूँ, ऊपर नीचे नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर हेयर की ग्रोथ उसी तरफ होगी। और इसी तरह हम जेंटली इस एरिया में करेंगे। और मुझे ये रेज़र अपने स्कार वाले एरिया में भी यूज़ करनी अच्छी लगती है, क्योंकि फिर वो स्कार वाले एरिया भी थोड़ा क्लीन हो जाता है, एक्सफोलिएट हो जाता है, तो हेल्प होती है नई स्किन आने के लिए। ओके, नाइस एंड क्लीन। और अपर लिप्स वाले एरिया पे मुझे ये यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, मैं तभी यूज़ करती हूँ अगर मैंने अपर लिप्स को थ्रेड के साथ ऑलरेडी क्लीन करके रखा हो, क्योंकि वो फिनिश मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो तिखे तिखे बाल आ जाते हैं वो नहीं मुझे अच्छे लगते। आई एम नॉट श्योर अगर आप इतना ग्राफिक देखना चाहते हैं, पर देखें ये जो बाल हैं इनके साथ कितनी सारी डेड स्किन एंड डर्ट भी आई है। आप भी अपनी स्किन को ऐसे ही क्लीन कर देंगे। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर टू मच इन्फॉर्मेशन। सो या दिस साइड इज ऑलमोस्ट डन, और हम इस साइड को भी इसी तरह कर लेंगे। और आपका कोई भी ऑयल यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं मेरे नोज़ पे करती हूँ ना ये शेव, ये मेरे ब्लैक हेड्स को भी क्लीन कर देता है। लाइक कितनी सारी डेड स्किन एंड ब्लैक हेड्स भी बाहर आ जाते हैं। सो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप हर हफ्ता करें, क्योंकि हर हफ्ता इज़ नॉट गुड, क्योंकि हर 28 डेज में आपकी स्किन का साइकिल होता है। सो मंथ में एक बार करें, 3 वीक्स में एक बार करें। वंस आई एम डन, आई एम गोना डू अ लिटिल बिट ऑन फोरहेड। वैसे तो मैं इस एरिया में थ्रेड से भी कर सकती हूँ और कर भी लेती हूँ, क्योंकि आई नो कि थ्रेड के साथ कैसे काम करना है। अगर आप थ्रेड नहीं चलाते हैं तो आप इससे अपने आईब्रोज भी कर सकते हैं, पर इस एरिया में बहुत केयरफुल रहें, अदरवाइज काला माला हो जाएगा दोस्तों। सो यस, वी आर ऑलमोस्ट डन। 2 मिनट लगे हैं और हमारा स्किन हो गया है बहुत क्लीन, और मैं भी मिलती हूँ आपको 2 मिनट। एक्चुअली अब मैं शीशे को नज़दीक करके, जो बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखाता है मुझे 7x2, उससे अपने चेहरे में देखूंगी कि कहीं पे हेयर रह तो नहीं गए, और देन आई एम डन। सो बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड देखने के बाद आई एम बैक, आई एम रेडी टू शो यू गाइज अगेन अ ग्रॉस कॉन्टेंट। If you are interested, this is Gandu. All mal we removed from our face, जो कि देखने में लगता है कि ओ सब कुछ ठीक है, but yes, ये सारा हमारे चेहरे से रिमूव हुआ है। तो अब क्या बारी आती है कि मैं मेरे फेस को क्लीन करूँगी मेकअप वाइप के साथ, क्योंकि कहीं कहीं ये हेयर है। और ये प्रोसेस मैं यूजली रात को करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेकअप पहनना नहीं चाहिए तुरंत बाद। और अपने चेहरे को शेव करने के बाद मेरा अगला स्टेप होता है मास्क लगाने का। वो इसलिए क्योंकि चेहरे को शेव करना इज़ लाइक चेहरे को डीपली एक्सफोलिएट करना, और उसके बाद जब मास्क लगाते हैं तो वो अच्छी तरह पेनेट्रेट हो सकता है अंदर तक। सो हम यूज़ करेंगे मास्क, उसके लिए मैं हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ करती हूँ, या कई बार मैं क्ले मास्क यूज़ कर लेती हूँ ताकि कोई भी जो गंक है वो साकिन हो जाए, और उसके बाद मैं हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ करती हूँ। आज मैं यूज़ करूँगी पोर एंड ग्लो मास्क, जो कि एक ब्राइटनिंग ग्लो मास्क है मेरे चेहरे पे, पर उससे पहले मेरे चेहरे को वाइप से क्लीन करेंगे। सो दिस इज़ द मास्क आई एम गोना यूज़ ऑन माय फेस टुडे, बिकॉज दैट्स मस्ट फॉर मी। सो या फेस को मैंने रिमूव कर लिया है, और अब हम मास्क लगा लेंगे। ये जो मास्क है ना, पता नहीं इप्सी में आया था, पर ये जो बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग फील होता है स्किन पे, ब्राइटनिंग मास्क है ये कोई, पर या मुझे अच्छा लगता है कि कोई ऐसा मास्क यूज़ करूँ जो मेरी स्किन पे सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग हो, क्योंकि स्किन को हमने ऑलरेडी एक्सफोलिएट किया है। इस समय आप विटामिन सी या कुछ ऐसे बर्न होने वाले मास्क यूज़ करेंगे तो फिर वो आपकी स्किन को फर्दर इरिटेट कर देंगे। सो कुछ ऐसा यूज़ करें जो बहुत ही सूदिंग हो आपकी स्किन के लिए। इसको हम रखेंगे 10-15 मिनट, देन वी आर गुड एंड जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हील हो जाए। करें यू नो, ये प्रोसेस से आपका चेहरा ज़्यादा ग्लो करता है किसी फेशियल करवाने से भी ज़्यादा। सो यस, मैंने मास्क लगा लिया है, और मैं उसके बाद मिलती हूँ आपको कल वाले दिन, क्योंकि हम आउट्रो कल ही शूट करेंगे अब। सो या मैंने मेरे फेस को शेव किया था, और उसके बाद मेरा दिन ख़त्म हो चुका था। यूजली मैं हमेशा ये प्रोसेस को शाम को करती हूँ, जैसे मैंने बताया। सो अगले दिन मैंने मेकअप किया है, देखिए कि मेरा मेकअप की फिनिश कितनी ब्यूटीफुल है, कितना ग्लोई और कितना अच्छा लग रहा है। सो अगर आप समवन हैं जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर है, फेशियल हेयर से डील करते हैं, तो आप ये प्रोसेस को डेफिनेटली ट्राई करें।
मैं ऐसे श्योर नहीं कहती हूँ कि जैसे मेरे बाल पतले ही आए हैं, थिक नहीं आए हैं, आपके साथ भी ऐसे होगा। ये आपका खुद का रिस्क है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बाद ही पता चलेगा कि यार सही है या नहीं। पर मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस लगता है क्योंकि मेकअप पहनती हूँ मैं और इसकी जो फिनिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आप ऑलरेडी अपने फेस को शेव करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे तब भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट फील हुई या नहीं। और दैट्स इट, को मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, आई लव यू गाइज सो मच। और मैं बताना भूल गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। और अगर आपको ये लुक चाहिए, मेकअप लुक, चिंता मत करें, मैंने इसको शूट किया है, होपफुली ये इस वीडियो से पहले चली जाएगी लाइव। या मुझे बहुत प्यारी लगी, आपको लगी?